आचार्य भर्तृहरि नीति शतक में लिखते हैं, संतप्ता यसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्रस्थितं राजते मध्ये सागर शुक्ति मध्यपतितं तन्मौक्तिकं जायते प्रायेणाधम मध्यमोत्तम गुणाः संसर्गतो देहिनाम। ये पानी का एक बूंद जब गरम तवा पर पड़ता है तो वो गायब हो जाता है वाष्प बन के, और वही पानी का बूंद जब कमल के पत्ते पर गिरता है तो वो मोती जैसा चमकता है, और वही पानी का बूंद जब किसी सीप में गिरता है तो वो मोती बन जाता है। इसी तरह मनुष्य में भी जिस तरह के लोगों के साथ हमारा एसोसिएशन होता है, संसर्ग, बैठना, उठना, दोस्ती, रिलेशन होता है, हम जाने अनजाने में उसी तरह के बन जाते हैं। अधम लोगों के साथ बैठने से अधम बन जाते हैं, मिडिल लेवल के लोगों के साथ मित्रता करने से हम भी धीरे धीरे वो मिडिल लेवल के बन जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ संबंध रखने से हम भी अच्छे हो जाते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। जीवन में हम जो कुछ भी हैं उसमें बहुत सारा डेफिनेटली हमारे अपना रोल तो है ही, पर हमारे गुणों को या दोषों को पॉलिश करने में, आगे बढ़ाने में या कम करने में हमारे जिस तरह का सराउंडिंग है, जिस तरह की संघ, एसोसिएशन है या कंपनी है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में कि हम कैसा हैं। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द फाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम विथ। तो जिस तरह के लोगों के साथ हमारा एसोसिएशन है, डेफिनेटली हमारा फ्यूचर कैसे होगा उससे डिसाइडेड होता है। आप अगर ऐसे लोगों के बीच में बैठते उड़ते हैं जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, सुबह उठ के वॉक करने जाना, एक्सरसाइज करना, योगासन प्राणायाम करना, खान पान का बहुत ध्यान रखना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, सब ध्यान रखते हैं, ऐसे ही दो चार लोगों के बीच में या किसी एक व्यक्ति के साथ आपकी बड़ी गहरी दोस्ती है, और आप समझ लीजिए कि बड़े आलसी हैं, इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, पर जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लगते हैं, बार बार बैठने उठने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर चुके होते हैं। इवन 100% नहीं, 100% भी नहीं, तो भी 10%, 20%, 25, 30, 40% आपके लाइफ में वो चेंजेस आ चुका होता है। ठीक अपोजिट है, आप बड़े डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल जीते हैं, हर चीज को मेजर करके आप काम करते हैं, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, ये करना है, और किसी कारण से आपके एक ऐसे ग्रुप के साथ दोस्ती हो गई जो इन सब को बेकार समझते हैं, उनके लिए खाओ पियो, मस्त रहो, जिंदगी को एंजॉय करो, क्या ये डिसिप्लिन लाइफ है, ऐसे ही लोगों के बीच में आप रहने लगे, वो हो सकता है आपका मजाक उड़ाएं, ऐसी ऐसी तारीफ के नाम पर ऐसे शब्द बोलें जो थोड़े मजाकिया हो, आपको बुरा लगे, पर आपकी उनके साथ गहरी दोस्ती है। दो चीजें हो सकता है, या तो आपके इन्फ्लुएंस से उनमें से कुछ लोग आपके जैसे बन जाएं, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत, या ऑप्शन है कि आप उनके जैसा बन जाएं, दोनों ऑप्शन खुला है। पता चला 1 साल के बाद आपकी जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल था वो कम हो गया, या किसी दोस्तों में से किसी एक के लाइफस्टाइल चेंज हो गया, और ये पक्का है।
कि हमारे जीवन में बहुत सारे चीजें जो हम बिलीव करते हैं, जिन चीजों को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये करते हैं या नहीं करते हैं, उसके पीछे उसके बैकग्राउंड में इन्फ्लुएंस है किसका, जिन लोगों के साथ हमारा बैठना उठना, जिन लोगों को हम बहुत ज्यादा मानते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, या जिनसे हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उन लोगों का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। आप कितने भी कायर टाइप के व्यक्ति हैं, कायर समझते हैं डरपोक आदमी, चीजों से डरता हो, और किसी कारण से आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती हो गई या ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना हो रहा है जो बहुत ब्रेव हैं, वीर हैं, हिम्मत वाले हैं, शुरू शुरू में आप देखेंगे आपको उनसे डर लगेगा या आपका वो मजाक उड़ाएंगे, पर अगर आपकी उनकी कंपनी बनी रही, वो एसोसिएशन, इसी को कहते हैं संग, तो क्या पता 1-2 साल के बाद आप उनके तरह साहसी नहीं होंगे, पर 2 साल पहले जितना आप डरपोक थे, कायर थे, उससे काफी ज्यादा आगे आप बढ़ चुके हैं, काफी बदलाव हो चुका है पॉजिटिवली। अब आप ज्यादा हिम्मत वाले, साहसी, वीर स्टेप लेना जानते हैं। इसी तरह देखिए, आपके जो बहुत सारे लोग भूत प्रेत मानते हैं, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हमने भूत प्रेत देखा है, भूत प्रेत को हमने फील भी किया है, ऐसे बहुत सारे दावा करने वाले मिलेंगे। जब भी आप कोई ऐसी ग्रुप में बैठ के डिस्कशन कर रहे हो भूत प्रेत के बारे में, तो जो मानते हैं वो कहेंगे जी हमने देखा है, हमने नहीं देखा, पड़ोसी ने देखा, दोस्त ने देखा। भूत प्रेत होता है या नहीं होता है ये डिपेंड करता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर आप मानते हो तो भूत प्रेत जरूर दिखाई देंगे, अगर आप नहीं मानते हो सवाल ही नहीं उठता है कि आपको कोई भूत प्रेत दिखाई दे, कोई सफेद साड़ी पहन के खुले बाल में, कोई अंधेरी रात को रास्ते पर कोई लड़की आई, आपकी गाड़ी अपने आप रुक गई, आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा अगर आप भूत प्रेत नहीं मानते। जो मानता है उसके साथ ये सब होगा। तो ये कैसे बना? ये एसोसिएशन का इफेक्ट होता है, संग दोष, संग गुण। अगर पता लगाया जाए कि आप क्यों भूत प्रेत मानते हो और आपका दोस्त नहीं मानता, पहली बात है कि आपको भूत प्रेत दिखता है क्योंकि आप मानते हो, नहीं मानते हो तो नहीं दिखेगा, या आपका कोई नुकसान भी नहीं करेगा ना अच्छा भी नहीं करेगा, जो मानता है उसी का नुकसान करेगा, उसी का अच्छा करेगा, क्योंकि भूत प्रेत होता नहीं है, ये हमारा माइंड का भ्रम है, और केवल भ्रम नहीं, ये संघ का एक उपज है, इट्स प्रोडक्शन ऑफ आवर एसोसिएशन आल्सो, जो हमारे साइकोलॉजी को चेंज कर देते हैं। पता लगाया जाए कि आप क्यों मानते हो तो पता चलेगा आप जिस फैमिली में पैदा हुए, जिस गांव में पैदा हुए, वहां काफी भूत प्रेत की बात होती रहती है बचपन से, आपको माँ भी आपको भूत प्रेत से डरा करके खाना खिलाती थी, आपके पापा भी डराते थे, आपके घरों में ये ज्यादातर बच्चे जो भूत प्रेत से आगे जाकर डरते हैं, वो हैं जिनके माँ बाप या कोई भी उनको भूत प्रेत डरा डरा के खाना खिलाते थे, पढ़ाया करते थे, जो भी करते थे। ये है एसोसिएशन, आपकी माँ बाप फैमिली। और दूसरा जो नहीं मानता है वो ऐसे वातावरण में पला बढ़ा होगा जो भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानते, ना उनके स्कूलिंग में, ना क्लास में, ना घर में, ना माँ बाप, ना दोस्त, कोई नहीं मानता होगा, वो कभी भी आगे जा करके भूत प्रेत से डरेगा नहीं, ना भूत प्रेत उसके कुछ बिगाड़ेंगे, क्योंकि याद रखिए भूत प्रेत हमारे मन का क्रिएशन है, रियलिटी में कतई नहीं होता है। इसी तरह हमारे जीवन में हम चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग लेते हैं, या अच्छा व्यक्ति हैं, अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं, इन सब का बहुत बड़ा कारण होता है हम किस तरह के लोगों के बीच में बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं, कैसे लोगों के साथ हमारी कंपनी है। इसीलिए कहा कि एक व्यक्ति को अगर जानना हो, उसके 5-7 दोस्तों को देख लीजिए, मिल लीजिए, जो उनके क्लोज फ्रेंड है, उसे आइडिया हो जाएगा कि ये व्यक्ति फिलहाल किस टाइप का है, किस तरह का सोच रखता है। यहां तक कि ये जो आस्तिकता और नास्तिकता,
ईश्वर को मानना, वैल्यूज को रेस्पेक्ट करना, इसको आस्तिकता कहते हैं। नास्तिकता ईश्वर को, व्यवस्था को ना मानना, मूल्यबोध को, नैतिकता को नकार देना। एक तो किसी के अंदर प्रारब्ध से भी हो सकता है, पर ज्यादातर हमारे सराउंडिंग से बनता है। और बढ़िया एग्जाम्पल देखिएगा, आप अपने बच्चे को फिफ्थ ग्रेड तक, सिक्स सेवन एट ग्रेड तक खूब धार्मिक शिक्षा देते हैं, रिलीजियस स्कूल में भेजते हैं, हर तरह की कल्चरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल नॉलेज उसको देते हैं, और वो आपके साथ मंदिर जाता है, हवन करता है, मंत्र बोलता है, प्रार्थना करता है, जो भी आपके त्योहार है, पर्व है, उसमें भारतीय कपड़े पहनता है, एंजॉय करता है। अब जैसे वो हाई स्कूल में जाने लगता है, कॉलेज में जाने लगता है, बहुत सारे हमारे बच्चे बदलने लग जाते हैं। उनका ये सुपरस्टिशियन लगता है, इनको ये बेकार लगता है, ये बड़े बूढ़े लोगों का काम लगता है। सारे नहीं, बहुत सारे लोगों का। वो बहुत सारे लोगों का अगर आप बैकग्राउंड चेक करें कि ये बच्चा ऐसा क्यों बोलने लगा, अगर कभी आप इसी तरह आपको मौका मिले इसके सोच के पीछे का कारण, तो आपको पता चलेगा किस तरह का फ्रेंड सर्कल है, क्लास में किस तरह के टीचर्स बोलते हैं, किस तरह के किताबें पढ़ता है। तो ये माहौल क्रिएट करता है कि उसको उन चीजों को मानने या ना मानने के लिए। तो जिस तरह के एटमॉस्फेयर में, कंपनी में, संघ में हम रहते हैं, जाने अनजाने में हमारे चरित्र में वैसा बन जाता है। इसी को कहते हैं संग दोष या संग गुण। आमतौर पर मनुष्य का जो मन है वो अपने आप मैच्योर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। वो कोई खाली बैठे बैठे में कुछ सीख नहीं जाता, वो चारों तरफ से जो जाने अनजाने में जिस तरह का माहौल बना हुआ होता है, वो उन्हीं चीजों से सीखता है, समझता है और एक परसेप्शन बनाता है, और धीरे धीरे उसके लाइफ में उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है। महाभारत सब पढ़े हुए हैं, तो ज्यादातर लोग महाभारत की कहानी जानते हैं, एक कौरव पक्ष, एक पांडव पक्ष, पर बीच में एक कर्ण का चरित्र आया। कर्ण, ज्यादातर लोग जो महाभारत को सुनी सुनाई जानते हैं, वो कर्ण को एक विलियन के रूप में या एक नेगेटिव रोल में देखेंगे, पर कर्ण एक कॉम्प्लिकेटेड रोल है, बड़ा जटिल चरित्र है कर्ण का। कर्ण नेचर से बड़ा दयालु है, कंपैशनेट है, वो बहुत दान करता है। उस समय का सब सिरों में से वो श्रेष्ठ वीर है, ऐसे भी कहा जाता है कि अर्जुन से भी बड़ा वीर था। भीष्म, परशुराम, द्रोण के बाद कर्ण का नंबर आता है। बहुत ज्ञानी था, बहुत दयालु था, बहुत इंटेलिजेंट था। फिर वो गलत काम क्यों किया? एसोसिएशन, संग। कर्ण जैसा व्यक्ति पुरुषों की सभा में द्रौपदी का मजाक उड़ाता है, एक स्त्री का, गंदे शब्द यूज करता है। कहां से वो सीखा ये शब्द? पढ़ा लिखा ज्ञानी, इतना रेस्पेक्टेबल पर्सन, क्योंकि जिन लोगों के साथ बैठता उड़ता है वो उसी टाइप के हैं। उसको पांडव ने कभी अपनाया नहीं, तो मजबूरन वो कौरवों के साथ बैठने उठने लगा, और कौरवों के इन्फ्लुएंस से उसका सोच समझ भी उसी तरह का बना। अगला है कि दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव क्यों इतने सीमा पार करने तक बुरा बने? क्योंकि उनका जो एडवाइजर था, गाइड करने वाला, वो शकुनी था। और ठीक अपोजिट पांडवों में भी भीम बहुत गुस्से वाला है, अर्जुन के भी नेचर में बहुत टेम्परामेंट उसका बहुत हाई रहता है, युधिष्ठिर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, वो बुकिश नॉलेज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, किताबी ज्ञान पर। उनकी जो धार्मिकता है वो शास्त्र ज्ञान के बेस पर है, ना कि कॉमन सेंस यूज करके। तो मतलब बुराई करने का पूरा चांस उधर भी था, पर बात है कि उन वो लोग जिन लोगों के साथ बैठते उठते थे
वो था विदुर और कृष्ण। तो आप जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, आपके जिस तरह के एडवाइजर्स हैं, टीचर्स हैं, माहौल है, अब वैसे बन जाते हैं। अगर आपको अपने किसी रिलेटिव के बारे में भी ऐसा कुछ लगे कि इसमें कुछ गड़बड़ियां है, तो पता करिए कि वो किन लोगों के साथ उसकी मित्रता है, दोस्ती है, कौन गाइड करने वाले कौन है, उससे इन्फ्लुएंस आता है। तो अभी हमें समझने की जरूरत है, ये संघों से या जो एसोसिएशन या कंपनी से क्या हमारे कैसे हमारा मन बदलता है। मन गिरगिट की तरह होता है, क्योंकि मन बड़ा तरल है, चंचल है, उसमें सत्व रज तमा हमेशा एक जैसा नहीं रहते। जिस तरह का एटमोस्फियर होता है आपके मन में, वही गुण हावी हो जाते हैं, सत्व रज या तमा, बिल्कुल गिरगिट की तरह। अगर हरे घासों के बीच में रहे तो वो हरा दिखने लग जाता है, हरे पत्तों के बीच में। सूखे लकड़ी में रहे या जमीन पर रहे तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। इसी तरह हम भी, हमारे शास्त्र कहते हैं, जब तुम मूर्खों के साथ रहने लगोगे, तुम्हारे कितने भी ज्ञान हो, तुम मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगोगे, तुम अपने ज्ञान के ताला लगाओगे, मूर्खों के जैसा बोलने लगोगे। तुम अगर ज्ञानियों के साथ रहने लगोगे, मूर्ख भी हो तुम ज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगोगे। तुम्हारे अंदर चोरी करने का कितना भी टेम्परामेंट हो, अगर तुम अनिष्ट लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे चोरी की जो प्रतिभा है वो अपने आप दब जाएगी। और तुम कितने भी सच्चा हो, चोरों के बीच में रहोगे तो तुम्हारे मन चोरी करने को एक्सेप्ट करने लगेगा, तो तुम भी चोरी करने लग जाओगे। और ये जो चेंजेस होता है, ये सडनली नहीं होता, ये अचानक आपका मन ऐसा मानने नहीं लग जाता। कब होता है? ये धीरे धीरे होता है और आपको पता ही नहीं चलता। हमारे मन में चीजें धीरे धीरे असर करते रहते हैं, और जब पूरी तरह वो हमारा मन बदल जाए, विचारों में परिवर्तन आए, तो फिर वो हमारे व्यवहार में, चरित्र में दिखने लगते हैं। जब चरित्र में दिखने लगते हैं तब लोगों को पता लगता, अच्छा मेरा बच्चा तो ऐसा हो गया, या मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बंधु, मेरे पिता, मेरी माँ बदल गए। अचानक बदल नहीं गए, देखो पता नहीं कल तक तो ठीक था, अभी अचानक उसको क्या हो गया, ऐसे बात करता है। कल तक तो वो मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, गीता पढ़ता था, बड़े अच्छी बात करता था, अब अचानक क्या है, साईं बाबा का भक्त बन गया है, पता नहीं किसी ओझा के चक्कर में पड़ गया है। अब ये अचानक नहीं पड़ गया है, वो सालों से उसकी माइंड वॉश चल रहा था, ब्रेन वॉश चल रहा था, और वो धीरे धीरे हो रहा था। भगवान छोड़ के किसी इंसानी भगवान के पीछे पड़ गया, अचानक नहीं पड़ा, और हमें पता नहीं चलता कब हम ऐसा बन चुके होते हैं। इसलिए महाभारत का ये एक श्लोक है, वस्त्रमापस्तिलान भूमिं गंधो वासयते यथा पुष्पाणाम अधिवासेन तथा संसर्ग जागुणः मोहजालस्य योनिर्ह मूढैरेव समागमः अहन्यहनि धर्मस्य योनि साधु समागमः। जैसे कपड़े, पानी, मिट्टी, तिल, ये जब किसी फूल के संपर्क में आते हैं, किसी सुगंधित फूल के संपर्क में आते हैं तो बड़े सुगंधित हो जाते हैं। कभी कभी आप चावल बनाते हैं ना, तो उसमें डाल देते हैं लेमन ग्रास या ये दूसरे तरह के ऐसे पत्ते होते हैं जो बड़े खुशबू वाले होते हैं, वो चावल भी खुशबू वाला हो जाता है। इसी तरह जो लोग इल्यूजन में डूबे रहते हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानता में रहते हैं, मोह में रहते हैं, उन लोगों के साथ रहने, बैठने, उठने, चर्चा करने से आपके अंदर भी वही अज्ञानता, वही मोह, वही बुरा चीज आने लग जाता है। और जब आप हर बार किसी साधु के साथ, साधु का अर्थ बाबा नहीं, अच्छे आदमी के साथ बैठना, उठना, चर्चा करना, बातचीत करना शुरू करते हैं, बार बार करते हैं, तो आपके अंदर भी धर्म का भाव आने लग जाता है।
तो जैसा जिस तरह का माहौल हमें मिलता है हम उस तरह के बन जाते हैं। अब सवाल आता है कि हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों के साथ मिले, इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग का अर्थ होता है अच्छे लोगों के साथ संग करना। ध्यान रखिए, ज्ञानी होना अच्छे होने का कारण नहीं होता। जो ज्ञानी है वो सत है, सत मतलब साधु है, अच्छा है, जरूरी नहीं है। पर जो अच्छा है वो जरूर ज्ञानी है, वो किताबी शास्त्र ज्ञान कितना भी कम रखता हो पर वो ज्ञानी है। तो जो सत्संग का कंसेप्ट हमारे कल्चर में है, वो सत्संग का कल्चर का अर्थ होता है अच्छे लोगों के साथ संग करो। सत का अर्थ होता है सच, जिसके साथ बैठने से सच्चा ज्ञान मिले, ये भी हो सकता है। जो सच्चा आदमी है उसके साथ बैठना भी सत्संग है, साधु लोगों के साथ बैठना। प्रॉब्लम है कि साधु शब्द सुनते ही हम बड़े जज करने लग जाते हैं। एक पर्टिकुलर कपड़े पहने हुए हो, पर्टिकुलर रूप शक्ल बना रखा हो तो हम उसके साधु समझते नहीं। संस्कृत में साधु शब्द का अर्थ होता है अच्छा आदमी, जस्टिस पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, इस तरह के लोगों को हम साधु कहते हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, उससे फायदा क्या होता है? सत्संग बहुत ही इफेक्टिव टूल है मन को शुद्ध करने का। अच्छे लोगों के साथ बैठने से अच्छे विचार आते हैं, अच्छी चर्चाएं होती हैं, अच्छे अच्छे विषय पर चर्चाएं होती हैं और आपके अंदर उसकी इन्फ्लुएंस जाता है। अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, आप अगर शराब पीते भी हैं, बातचीत में पता चलेगा शराब बुरी बात है। हो सकता है आप नहीं माने, उसके साथ बार बार बैठते हैं, पता चला 1 साल के बाद आपकी छूटी गया। पार्टी में आप जाते हैं, पहले आप हार्ड ड्रिंक ले लेते थे, अब आप सॉफ्ट ड्रिंक में काम चला लेते हैं। पर उसके साथ बैठते बैठते उठते बैठते फिर धीरे धीरे आपको सॉफ्ट ड्रिंक भी हो सकता है छूट जाए। आप कहेंगे जी मैं तो जूस ले लूंगा, लस्सी ले लूंगा, छाछ ले लूंगा, काम चला लूंगा, पता ही नहीं चलेगा आपका बदल गए। एसोसिएशन का बड़ा महत्व होता है, मन को शुद्ध करता है। आप बहुत मैटेरियलिस्टिक है, किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ दोस्ती करिए, देखेंगे धीरे 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 आपकी मैटेरियल जो थॉट प्रोसेस है वो कम होता जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या करें, आपने तो ये बता दिया, अब आप क्या करें, कैसे हम स्पिरिचुअल बने, कैसे हम शास्त्र पढ़े। पहली बात तो कोई अपना ऐसा एक सर्कल बनाओ या कोई व्यक्ति ऐसा चुनो जो आपको लगता है कि ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में गाइड कर सकता है, उसके साथ ज्यादा टाइम बिताओ, बातचीत करो, डिस्कशन करो, क्वेश्चन आंसर करो, पढ़ो, सीखो, जानो, फिर देखो। फिर जब आपका मन में विचार बदलता है, बदलता मतलब अच्छे विचार आने लगते हैं, आपकी बुद्धि भी विकसित होती है, विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, क्या सही है क्या गलत है इसको समझने की जो शक्ति है उसी को कहते हैं बुद्धि, विवेक। तो बुद्धि विकसित होती है ज्ञान से, विवेक शक्ति, क्या सही है क्या गलत है इसको जानने मानने की शक्ति बढ़ती है। पर ज्ञान केवल नहीं बढ़ाता है, क्योंकि अगर आपके नेचर में, आपके टेम्परामेंट में, आपके एटीट्यूड में चेंजेस नहीं होंगे, केवल ज्ञान आपकी विवेक शक्ति को नहीं बढ़ाएगा। वो ज्ञान के साथ साथ जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो आपके पुराने संस्कार कम होते हैं, अच्छे संस्कार बढ़ते जाते हैं, उससे आपकी विवेक शक्ति भी बढ़ती है। और सत्संग करने से नैतिकता आती है, आपके मूल्यबोध के प्रति रेस्पेक्ट आता है। मूल्यबोध मतलब जो एथिकल वैल्यूज है उसके प्रति मन में रेस्पेक्ट आता है। आमतौर पर हमारे बच्चे इवन बड़े लोगों के अंदर भी, बहुत सारे लोगों में संग के कारण, उसको कहे सत्संग का अपोजिट होता है कुसंग, है ना। संग मतलब एसोसिएशन, सत्संग मतलब गुड एसोसिएशन, कुसंग मतलब बैड एसोसिएशन। जब आप बुरी चीजों को बुरा नहीं मानते हो, गलत कामों को गलत नहीं मानते हो, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो अच्छे लोगों के साथ बैठने से एथिकल वैल्यूज जो है उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है,
ऐसे लोगों के बीच में जब आप रहने उठने लगते हैं तो आपका चरित्र शुद्ध होने लगता है, आपके अंदर दया, स्नेह, सबको बराबर देखने का भाव, पार्शियलिटी ना करने का भाव, ये सब निस्वार्थ भाव, लोगों की सेवा बिना किसी फायदे के करने का भाव, ये सब पैदा होने लगता है। कब पैदा होने लगता है? जब आप इस तरह के सत्संग करते हैं, अच्छी चीजों को सुनते हैं, अच्छी चीजों को पढ़ते हैं, अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं, आपके अंदर होने लगता है। और अंत में आपके मन में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं, उन चीजों को जानने के लिए इच्छा पैदा होती है। और जब इच्छा पैदा होती है तो कुछ ना कुछ आप करेंगे आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, जीवन को समझने के लिए, सुख क्या है, दुख क्या है जानने के लिए। जब आप कोशिश करेंगे, उसी कोशिश का नाम है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आपको पता ही नहीं चला कब आप स्पिरिचुअल रास्ते पर चल पड़े, आपको पता ही नहीं चला कि आपका एफर्ट शुरू हो चुका है, नहीं तो फिर आपको कोशिश करनी पड़ती। ये सत्संग का लाभ होता है। महाभारत का श्लोक कहता है, असताम दर्शनात् स्पर्शात् संजल्पन सहासनात् धर्माचार परहीयन्ते न च सिद्ध्यन्ति मानवः बुद्धिश्च हीयते पुंसाम् नीचै सह समागमात् मध्यमैर्मध्यताम् याति श्रेष्ठताम् याति चोत्तमैः। बुरे लोगों के मिलने से, छूने से, बात करने से, साथ बैठने से आपका धर्माचरण नष्ट होता है और जीवन में किसी भी तरह का अचीवमेंट नहीं होता है। बुद्धि कमजोर होने लगती है। बुद्धि वही विवेक शक्ति, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है। कब? जब आप बुरे लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चर्चा करते हैं। मध्यमैर मध्यताम याति, जब आप मीडियम लेवल के लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो आपकी बुद्धि भी, आपका समझ भी एवरेज लेवल का होता है। और जब आप श्रेष्ठ लोगों के साथ बैठते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते हैं, आप भी अच्छे 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 विचार वाले बन जाते हैं, अच्छे समझ वाले बन जाते हैं। इसीलिए महाभारत का अगला श्लोक कहता है, वन पर्व का श्लोक है, तस्मात् पराज्ञैश्च वृद्धैश्च सुस्वभावैस्तपस्विभिः सद्भिश्च सह संसर्गः कार्यक्षमपरायणैः येषां त्रिण्यवतदातानि यो निर्विद्या च कर्म च तान् सेवेत तैः समास्याहि शास्त्रेभ्योपि गरीयसि। इसीलिए जिनके अंदर इच्छा हो मुक्ति की, आजादी की, संसार के सुख दुख से मुक्ति पाने की, तो ऐसे लोगों के साथ बैठें, उठें, एसोसिएट करें अपने आप को जो ऑनेस्ट हो, सच्चा हो, जिनका व्यवहार शुद्ध हो, जो तपस्या करते हो, जीवन को कष्ट सहने की अपने जीवन में आदत डालते हो। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो आपका चरित्र भी वैसे होने लगता है। बौद्धों का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है महामंगल सुत्त। ये महामंगल सुत्त ग्रंथ शुरू होता है एक कहानी से। एक दिन अंधेरी रात को एक देवदूत, एक दिव्य पुरुष धरती पर आया। आकर के बुद्ध से पूछा, बोले बताओ कल्याण क्या होता है, कल्याण समझते, अच्छाई क्या होती है, मंगल क्या होता है। महात्मा बुद्ध ने बोला, असेवनम च बालानाम पंडितानाम च सेवन। बोले मंगल का मतलब होता है मूर्खों के साथ न रहना और ज्ञानियों के साथ रहना, ये मंगल है। बुरे लोगों के साथ न रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, ये मंगल है। खराब सोचने करने वाले लोगों के संग न करना, अच्छे सोचने विचारने करने वाले लोगों के साथ संग करना,
ये कल्याण और मंगल का भाव है। तो महात्मा बुद्ध जोर देते थे, अगर तुम आध्यात्मिक बनना चाहते हो, पहला काम करो कल्याण मित्रता, मित्रता मित्रता, कल्याण मित्रता, ऐसे लोगों के साथ मित्रता करो जो कल्याणकारी हो। कल्याणकारी कौन? जो अच्छे लोग हैं। आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंस के फील्ड के जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बैठो उठो। आपको स्पिरिचुअल बनना है तो स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में अच्छे हैं उनके साथ बैठो उठो। आपको बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस में जो सफल हैं उन्हीं लोगों के साथ बैठे उठो। तो स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, अध्यात्म मार्ग में जाना हो या जीवन में कल्याण चाहते हो तो अच्छे सच्चे लोगों के साथ बैठना उठना, चर्चा करना, उनका सुनना, तभी होगा। बौद्धों का जो और एक सबसे प्रमुख ग्रंथ है धम्मपद, तो धम्मपद में भी जो कल्याण का कारक बताया जाता है वो बताया जाता है सुहृत, मित्रता। मित्र आपका कौन होना चाहिए? सही मित्र वही है जो तुम्हारे प्रति दया स्नेह भाव रखे। दया और स्नेह भाव रखे पता कैसे चलेगा? हम लोग तो इसी से पता लगाते हैं। हमारे सामने मीठा बोलता है, बहुत तारीफ करता है, हम कुछ भी कहें अच्छा कह रहे हो, कुछ भी वो करे सब अच्छा कर रहे हो, तो हमें लगता है ये तो बड़ा अच्छा मित्र है। बच्चों की बात छोड़िए, बच्चों के माँ बाप भी यही सोचते हैं, उन्हीं लोगों को वो अच्छा समझते हैं जो मीठा मीठा बोले। आमतौर पर देखा गया बहुत मीठा बोलने वाला बहुत खतरनाक होता है, पर ज्यादातर लोग नहीं समझते, मीठा बोलने वाले को ही वो पसंद करते हैं। महात्मा बुद्ध धम्मपद में लिखते हैं, मित्र वो है जिसके अंदर दया और प्रेम हो, और जो ये नहीं केयर करता हो कि तुम क्या सोचोगे मेरे बारे में। जब भी तुम गलत करो तो तुम्हें वो बता सके तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। वो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हें बता सके, ये तुम्हारी कमी है इसको फिक्स करो। वो बुराई नहीं करता आपका, पर वो आपको क्रिटिसाइज करने का हिम्मत रखता है। सबके साथ कोई ना कोई ऐसा मित्र होता है, किसी किसी के पति या पत्नी है, बहुत लोगों के लिए उनके जो बच्चे हैं वो उनके सुहृद हैं, मित्र हैं, जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं ये गलत है सही है। बहुतों के कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड भी है सुहृद, जिसका तुम्हारे प्रति अच्छा हृदय है, अच्छा हृदय अच्छा भाव है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तुम गलत रास्ते पर हो तो बताएगा तुम गलत रास्ते पर हो, अच्छे रास्ते पर हो तो बताएगा सही रास्ते पर हो। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे तुम गुस्सा करोगे, फ्रेंडशिप तोड़ दोगे, इसको इसकी परवाह नहीं है, वो तुम्हारा भला चाहता है। तुम उसको गालियां दो, उसको खराब सोचो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा भला चाहता है, वो सुहृद है। ऐसे ही मित्रों के साथ अपना समय बिताएं जो तुम्हारे बुराइयों को बता सके, जीवन में परिवर्तन आता है। शंकराचार्य का एक सुंदर श्लोक है भज गोविंदम, उनकी एक कविता है, गीत है, उसका एक अंग है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। यह आध्यात्मिकता की दोस्ती की बात कर रहा है। जब तुम साधु जनों के संग करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, तुम्हारे अंदर निसंगतता आएगा, नॉन अटैचमेंट, डिटैचमेंट आएगा। जब तुम डिटैच्ड होकर के जीना सीख जाओगे तो तुम्हारे अंदर निर्मोहत्व आएगा, फ्रीडम फ्रॉम डिल्यूजन, तुम मोह से नहीं फंसोगे। जब आप डिल्यूजन से ऊपर उठ जाओगे, मोह से ऊपर उठ जाओगे, निश्चल तत्त्वम, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम्हारा ज्ञान बड़ा मैच्योर ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, खुद को जान पाओगे। और जब तुम्हारे अंदर तत्व को जानने का ज्ञान स्थायी बन जाए, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, तुम्हारा जीवन की मुक्ति हो जाएगी। नीति शतक का ये
बड़ा सुंदर श्लोक है महाकवि भर्तृहरि का लिखित संस्कृत में। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति चेत प्रसादयते दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। कहता है जो अच्छे लोगों की संगति है, गुड कंपनी, क्या नहीं करता। तुम्हारे बुद्धि की जो जड़ता है, जो डलने से उसको वो हटाता है, तुम्हारे वाणी में सच्चाई को सींचता है, तुम्हारे मान को, डिग्निटी को बढ़ाता है, तुम्हारे पाप को कम करता है। पाप को कैसे कम करता है, मतलब तुमसे अब पाप काम कम होगा। चेत प्रसादयति, मन को प्रसन्न करता है, और क्योंकि तुम अच्छा व्यक्ति हो तो चारों तरफ तुम्हारे कीर्ति को फैलाता है। बताओ मनुष्य, ये अच्छे लोगों की संगति क्या क्या नहीं करता जीवन में। अंग्रेजी में एक सुंदर कहावत है, इट इज बेटर टू वॉक अलोन देन विथ ए क्राउड गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अकेला जाना बेहतर है एक झुंड के पीछे चलना। जो मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज बढ़ रही है, किसी की बाबा का, साधु का प्रवचन देखिए, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, मंदिर में करोड़ों की भीड़ होती है, एक से बढ़कर एक मंदिर बनते जाते हैं, पर लोगों के चरित्र में अच्छाइयां क्यों नहीं दिखती है, लोगों के व्यवहार में अच्छाइयां क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी जो तथाकथित आस्था है, वो भेड़ चाल है, झुंड जहां जा रही है हम भी वहीं चल पड़ते हैं। यहां तक कि मेरी अपनी जो विवेक शक्ति है, जो मेरा कॉमन सेंस है, वो मुझे कहता है इसमें कुछ नहीं रखा है, ये बकवास है, ये झूठ है, ये फरेब है, तब भी मैं उन्हीं के साथ चल पड़ता हूं। क्योंकि ज्यादातर रिलीजियस सिस्टम आस्था बेस्ड है, वहां सुधरने की गुंजाइश नहीं होता है। तो बेटर है कि अगर आपको लगता है ये गलत हो रहा है, आपकी कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं, आप अकेले चलो। ऐसे झुंड के पीछे चलना जो गलत रास्ते पर हो, से बेहतर है कि आप अकेले चलो। लोग कभी कभी पूछते हैं कि अगर यही सही है, अब जैसे हम कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, देखो दुनिया में तो कोई कर्म सिद्धांत मानता नहीं है, फिर सच कैसे होगा भाई? मतलब है कि क्योंकि झूंड नहीं मानता इसलिए कर्म सिद्धांत गलत है। अगर धर्म अच्छा है तो बाकी लोग क्यों नहीं फॉलो करते? दुनिया में तो बाकी रिलीजन बहुत है, अगर धर्म अच्छा है तो इसमें काम लोग क्यों आते? मतलब जहां झूंड है तुम वहां जाना चाहते हो? अगर यही रूल आइंस्टीन अपनाता, गैलीलियो अपनाता, न्यूटन अपनाता, दयानंद अपनाता, शंकराचार्य अपनाते, ऋषि मुनि लोग अपनाते, फिर तो दुनिया में कभी कोई ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, अध्यात्म, अच्छाइयां कभी नहीं होती। इसीलिए जीवन में हर व्यक्ति को यह कमिटमेंट करने की जरूरत है, क्या कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करने में बिताओ, अच्छे लोगों के साथ बैठना, उठना, चर्चा करना, बातें करना लाइफ में एक आदत बनाए। हर व्यक्ति को जीवन में एक 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 पॉइंट बनानी चाहिए कि मुझे एक लक्ष्य बनानी चाहिए कि मुझे जीवन में कुछ अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है, उठना है, चर्चा करना है, बातें करना है। वो आपके लिए विटामिन की तरह काम करते हैं, न्यूट्रिशन की तरह काम करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। यही सत्संग का महत्व है।